अभी के लिए बायोकेमिस्ट्री पीवाईक्यूज के ऊपर चलता हूं। स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट 2019 पीवाईक्यूज। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वुड बी द आंसर? आंसर क्या होना चाहिए? कैटालिस्ट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन, क्या आंसर होना चाहिए इसका जी? पेरोक्सीसोम। ठीक है, क्या होना चाहिए? पेरोक्सीसोम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैटालिस्ट का काम क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं, क्या क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि क्वेश्चन कैटालिस्ट के बारे में बात करता हूं, तो कैटालिस्ट का काम क्या होता है? कैटालिस्ट का जो काम होता है वो काम होता है परऑक्साइड्स, H2O2 को ब्रेक करना होता है। ठीक है, इसको ब्रेक करता है, H2O2 को ब्रेक करना होता है, तो इसमें ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट करता है, दैट इज व्हाट द H2O2। ये काम क्या करता है? कैटालिस्ट का काम करता है। ये काम एक और एंजाइम करता है जिसको बोलते हैं परऑक्सीडेज। परऑक्सीडेज इन्होंने ना देखे कैटालिस्ट दिया हुआ है, और कैटालिस्ट जो पाया जाता है वो पाया जाता है परऑक्सीसोम में। क्लियर है जी? इट्स इजी को। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द क्वेश्चन नंबर टू, रैज RAG रिकॉम्बिनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक इम्यून रिसेप्टर। दिस इज अ प्रोसेस, स्पेसिफिक इम्यून रिसेप्टर्स। क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ स्पेसिफिक इम्यून रिसेप्टर्स, क्वेश्चन में ही दे दिया स्पेसिफिक, तो आंसर क्या होना चाहिए जनाब? आंसर जो होना चाहिए इसका सीधा सीधा आपको दिख रहा है, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसका जो सोल्यूशन होना चाहिए, इसका जो सोल्यूशन होना चाहिए वो होना चाहिए ए। सीधे सीधे आपको दिख रहा है सोल्यूशन ए, बिकॉज इट्स ए स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक हमेशा एडेप्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? एडेप्टिव सेल्स। कैसे होते हैं? एडेप्टिव इम्यून सेल्स होते हैं, और एडेप्टिव में TNB सेल्स ही आते हैं। आते हैं जी, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर है। देखिए आप खुद देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इट्स ऑड वन आउट केस ऑल्सो, यहाँ पे आप ऑड वन आउट भी लगा सकते थे। ठीक है, ऑड वन आउट भी लगा सकते थे, जो ऑड वन आउट होता है वो भी आप लगा सकते थे। कैसे? कि बाकी सारे जो हैं वो आपके कैसे हैं? वो आपके इननेट के पार्ट में मिलेंगे, या ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक नहीं होंगे, जिनके पास इम्यून रिसेप्टर्स बहुत स्पेसिफिक नहीं होते। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एग्जांपल ऑफ द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। रिस्पिरेशन में बताया था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन मतलब डायरेक्ट ATP बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन ग्लाइकोलिसिस में कौन सा होता है डायरेक्ट ATP बनने का? जी, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, इसमें तो ATP कंज्यूम होता है, अगर मैं बात करूं। ठीक है जी, बिल्कुल सी की बात करते हैं, 1,3-bisphosphoglycerate से 3-phosphoglycerate, यही एक ऐसा स्टेप है जहां पे कि ATP बनता है। बिल्कुल सही, बनेगा। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब ATP का फॉर्मेशन, डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन, और डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन यानी PI का कंजम्पशन, PI का कंजम्पशन, और PI का कंजम्पशन मतलब फॉस्फेट जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। फॉस्फेट जो होना चाहिए वो आपका डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है जी, वो आपका डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉस्फेट जो है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, सब में देखिए इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी, इसमें क्या रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है फॉस्फेट, और ये सारे देखेंगे डाइहाइड्रोक्सी और ग्लिसरेल्डिहाइड, ये आइसोमर्स है, ये आपके आइसोमर्स का फॉर्म कर रहे हैं, डिक्रीज इसी में हो रहा है जिसमें PI निकल के लेके जाएगा आपका, क्या लेके जाएगा? फॉस्फेट बनाएगा। ठीक है, तो आपको होप कि क्लियर होगा। इसका आंसर जो आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है, थर्ड आना चाहिए या सी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द डाइपेप्टाइड विथ लीस्ट रोटेशनल बैरियर इन द पेप्टाइड बॉन्ड, क्या होना चाहिए? द डाइपेप्टाइड विथ द लीस्ट रोटेशनल बैरियर, क्या होना चाहिए इसका आंसर? अगर मैं आपसे बात करता हूं, ऐसा कौन सा डाइपेप्टाइड है जो कि लीस्ट रोटेशनल होना चाहिए? ठीक है, चलिए ग्रे। सो देखिएगा कि इन सब में पेप्टाइड बॉन्ड की बात करता हूं, पेप्टाइड बॉन्ड में अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आंसर जो होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर होना चाहिए बी। बी आंसर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि CONH अगर फ्री है, मैंने प्रोलीन का केस बताया था, प्रोलीन के केस में ये जो रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि सिस और ट्रांस का हिंड्रेंस जो होता है वो ज्यादा होता है, बताया गया है आपको, ये 1:4 का केस बन जाता है। जब
प्रोलीन बाइंड करता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक्स है एक्सेप्ट प्रोलीन, अगर एक्सेप्ट प्रोलीन होता है तो केस जो होता है 1:1000 का होता है सिस और ट्रांस का, ठीक है। लेकिन जब ये प्रोलीन आता है तो हिंड्रेंस की वजह से ये केस बन जाता है, जिसकी वजह से जो आंसर है वो आंसर होगा दिस सेकेंड वन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, द लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट नॉट यूज्ड बाय द साइनोबैक्टीरिया फॉर द फोटोसिंथेसिस इज, ऐसा कौन सा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जो कि यूज नहीं होता है जी, ठीक है। ग्रेट, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं आंसर क्या होना चाहिए, फाइको आउट लगा सकते हो आंसर में, आप क्या लगा सकते हो आंसर में, सीधे सीधे ऑड वन लगा सकते हो, सिंपल ऑड वन आउट, ठीक है। सिंपल आप ऑड वन आउट लगा सकते हो, देख सकते हो ऑड वन आउट का केस लग सकता है। इट्स वेरी कहते हैं ना कि वेरी वेरी इजी, सारे के सारे फाइको हैं, फाइको का टर्म ही जुड़ता है एल्गी से या साइनोबैक्टीरिया से, लेकिन एक जो आपका रोडोप्सिन होता है दैट इज विद नॉट द साइनोबैक्टीरिया। रोडोप्सिन का जो केस होता है ये पाया जाता है जनरली एनिमल सेल्स में, एनिमल्स में पाया जाता है, तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया में नहीं यूज होता, ठीक है। नाउ रोडोप्सिन का काम क्या फोटोसिंथेसिस होता है, या रोडोप्सिन का काम सिर्फ लाइट को सेंस करना होता है, रोडोप्सिन का काम सिर्फ लाइट को सेंस करना होता है ना कि फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। यस, लाइट को सेंस करना, अगर मैं रोडोप्सिन की बात करूं तो ये ऑप्सिन प्रोटीन से बनता है, जब रेटिनल जो विटामिन ए और रेटिनल ये यूज करके बनता है आपका रोडोप्सिन, और ये इसका जो काम होता है दैट इज टू सेंस द लाइट, ठीक है, लाइट को सेंस करने का होता है, क्लियर है जी। चलिए ग्रेट, ये जो मुझे बताएगा स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ द एथेनॉल इज द थेरेपी टू ट्रीट द मेथेनॉल पॉइजनिंग, एथेनॉल यूज करते हैं मेथेनॉल पॉइजनिंग को हटाने के लिए, अंडरलाइंग द केमिकल रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, ठीक है, किस चीज का एग्जांपल होता है, बिल्कुल सही जवाब है जी, कॉम्पिटेटिव इनिबिशन, एथेनॉल और मेथेनॉल की बात करते हैं अगर आंसर की बात करें, ठीक है, आंसर जो होगा वो ए होगा, क्यों, क्योंकि एथेनॉल जो होते हैं, एथेनॉल एंड मेथेनॉल, इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्कोहलिक ही होता है और ज्यादा स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं होता, ये होता है C2H5OH और मेथेनॉल होता है CH3OH, तो इसी वजह से क्या करते हैं ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स होते हैं, कैसे होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स, इज इट क्लियर, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन अगेन देखिएगा, ये सिग्नलिंग में बताया गया था, थोड़ा सा हिंट दिया गया था, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एन इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल द सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम इज, इसका सबस्ट्रेट जो होता है, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस की बात करते हैं जनाब, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस की बात करेंगे जी बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस की बात करता हूँ, बिल्कुल सही बात है, आप लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है। आंसर जो होना चाहिए इसका होना चाहिए डी, आंसर जो होना चाहिए डी, क्यों, क्यों, आर्जिनिन जो होता है, आर्जिनिन को यूज किया जाता है, आर्जिनिन को यूज करके क्या बनाता है, आर्जिनिन को साइट्रोलिन में कन्वर्ट करता है, प्लस एनओ में करता है, और ये काम करता है एनओएस, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। क्या मैं बिल्कुल सही हूं जी। चलिए ग्रेट, नाउ अब देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एलर्जीज आर ड्यू टू द हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स ड्रग गिवन टू द काउंटर एलर्जीज टारगेट, वेरी इजी, ग्लाइसिन, हिस्टामिन, इंसुलिन एंड सेलुलोज। इस क्वेश्चन में देख रहे हो ऑड वन आउट ही नहीं लग रहा है कि सारा इम्यून सेल्स में सिर्फ और सिर्फ आपका हिस्टामिन आता है, ठीक है, अगेन ऑड वन आउट, आप देख सकते हो कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आंसर इज बी आंसर होगा, अगेन यू कैन यूज द ऑड वन आउट, ठीक है। ज्यादातर एलर्जीज में जो होता है, एलर्जी की बात करते हैं, अगर बेसिक भी आपका क्लियर है ना तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, एलर्जी के केस में क्या होता है, हिस्टामिन होता है, हाँ जी हिस्टामिन होता है, हिपेरिन एंड हिस्टामिन की बात करते हैं, ये यूज होते हैं जनरली। चलिए आगे बात करते हैं, कौन सी एंटीबॉडी होती है फॉर अ रिकॉलिंग, अगर मैं बता दूं तो आईजीई होता है,
IGE, अगर याद हो तो. ठीक है, ग्रेट. नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन के बारे में बात करते हैं जी. द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज एटम एंड निगेटिवली चार्ज एटम, बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज एटम एंड द निगेटिवली चार्ज एटम चार्ज बी सेपरेटेड बाय द 3 इंगस्ट्रॉन इन द वॉटर -6 किलो जूल पर मोल. ठीक है, कंसिडरिंग द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वॉटर इज 80 इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल इन द वैक्यूम. ठीक है, अब रिलेटिव परमिटिविटी की बात आ रही है. रिलेटिव परमिटिविटी मैक्सिमम कब होता है? ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि नेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में याद रखे रहिएगा. ठीक है, नेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्वेश्चंस को एक सिंपली बता दूं कि नेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ऑप्ट जरूर करिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो आपका किसमें, एक नेगेटिवली चार्ज वाटर में इतना है, वाटर में इतना है, और परमिटिविटी 80 होता है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी आपका वैक्यूम में कितना होगा? तो एक सिंपल से सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूं. दैट दिस सॉल्यूशन इज व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के बारे में देखने की कोशिश करिएगा कि नॉर्मली वाटर जो होता है, देखिएगा मैं यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो फॉर्मूला बता दूंगा. उसके अलावा एक पहले मैं कॉमन सेंस की बात करता हूं. वाटर है, आपको सिंपल सा पता होता कि वैक्यूम में सबसे ज्यादा परमिटिविटी होगी. वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे ज्यादा सबसे लेस होगी. परमिटिविटी सबसे लेस होगी क्यों? क्योंकि यहां पे जो एनर्जी होगा या ट्रेवल होगा या आपस में कोई हिंड्रेंस नहीं होगा. वैक्यूम में अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें इंटरेक्शन जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि नो हिंड्रेंस, चाहे एयर फ्रिक्शन, चाहे वाटर फ्रिक्शन, चाहे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी होती है? वैक्यूम की परमिटिविटी होती है 1. अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा, द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम इज 1, मिनिमम होता है 1, इससे ज्यादा चलता चला जाता है. ठीक है, और वाटर की परमिटिविटी होती है 80. वाटर की परमिटिविटी जैसा कि उन्होंने बताया वो होता है 80. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? देखिए m1 v1 m2 v2 का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वही फॉर्मूला है जी, और कुछ नहीं है. चलिए सेम फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या होता है देखिएगा. दैट इज व्हाट एनर्जी इन मीडियम वन इनटू परमिटिविटी इन मीडियम वन. ठीक है, एनर्जी और परमिटिविटी इन मीडियम वन इज इक्वल टू एनर्जी इन मीडियम टू इनटू परमिटिविटी इन मीडियम टू. समझ में आ गया फॉर्मूला जी? अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो बस हो गया काम. यहाँ पे मीडियम वन जो है वाटर है, यहाँ पे मीडियम वन जो है वो है वाटर, और यहाँ पे मीडियम टू है जो है वैक्यूम, या किसी भी मीडियम के लिए आपका काम करेगा ये फॉर्मूला. ठीक है, यूज कर लीजिए. एनर्जी जो था -6 किलो जूल पर मोल था, इसकी परमिटिविटी थी 80, और एनर्जी आपको कैलकुलेट करना था वैक्यूम में, इसकी परमिटिविटी होती है 1. ये देखेंगे आ जाएगा सीधा सीधा E = हमेशा साइन को मत भूलिएगा, साइन को मत भूलिएगा, -480 किलो जूल पर मोल. क्लियर है जी? क्या इजी फॉर्मूला? इजी नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ आपको रिलेट करना था. ठीक है, आराम से सॉल्व कर सकते थे. चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर टेन, 1 mark क्वेश्चन. यू आर गिविंग द 0.1 molar ऑफ ग्लूकोज स्टॉक सोल्यूशन. स्टॉक सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू मेक 0.5 ml ऑफ 0.00 m ग्लूकोज सोल्यूशन इन द ml. कितना सोल्यूशन चाहिए? m1 v1 m2 v2 वाला अगेन वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया था. इनके बारे में क्या करना है? m1 v1 = m2 v2. m1 दिया हुआ था, गिवन क्या है यहाँ पे, पहले हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए गिवन क्या है. गिवन क्या था? m1 था, अगर मैं ऊपर की बात करूं तो देखिएगा m1 था 0.1, v1 पूछा गया है, m2 कितना था 0.005, एंड वॉल्यूम जो था 0.005 एंड वॉल्यूम जो था वो 0.5 ml था.
आगे आंसर जी सीधे सीधे लिख लीजिए, वी वन निकालना था, वी वन इज इक्वल टू एम टू इंटू वी टू डिवाइडेड बाई एम वन, वैल्यू पुट कर लीजिए, दैट इज 0.005 इनटू 0.5 डिवाइडेड बाय द 0.1, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.05 ml, क्लियर है जी। 10 नंबर के ऊपर बात करेंगे, फटाफट चलेंगे, जल्दी जल्दी बताइए, द मिक्सचर ऑफ द प्यूरिफाइड आईजीएम आईजीजी एफएफ क्या ही है, कि मिक्सचर है आईजीजी आईजीएम फैब फ्रेगमेंट इम्यूनोग्लोबुलिन से सेपरेटेड इन द जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, कौन आएगा फर्स्ट टू लास्ट, इन्होंने दे दिया है फर्स्ट टू लास्ट। आपको पता है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में सबसे भारी सबसे पहले, ठीक है, सबसे भारी सबसे पहले, छोटू जो होगा सबसे लास्ट में आएगा, ये बताया गया था, आप खुद बता सकते हो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे उसके बाद कौन आएगा, ठीक है, क्या आंसर आना चाहिए, बिल्कुल। अगर मैं आंसर की बात करूं यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो आंसर जो होगा बिल्कुल सही बात है, बी होगा। मॉलिक्यूलर वेट या साइज की बात करूं, अगर साइज की बात करूं तो आईजीएम सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है आईजीजी, उसके बाद आता है फैब फ्रेगमेंट, ठीक है, ये आता है फैब फ्रेगमेंट। अगर हम इसको किसी कॉलम साइज एक्सक्लूजन से करेंगे, किसी साइज एक्सक्लूजन कॉलम से करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, तो सबसे पहले जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आईजीएम, उसके बाद आईजीजी, उसके बाद एफएबी, क्लियर है, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट, क्लियर। चलिए आगे मूव किया जाए, आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की द एसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हाफ लाइफ, एसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हाफ लाइफ फॉर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, सबसे जो ज्यादा होता है, देखते हो कि कार्बन डेटिंग या आंसर के मामले में इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी, क्योंकि C14 131 में आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं, सबसे ज्यादा जो होगा वो कार्बन 14 का होगा हाफ लाइफ, इसका हाफ लाइफ जो होता है कितना होता है 93 समथिंग होता है, इतने इयर्स के आसपास होता है, ठीक है, 57 होता है, इज फाइन, ठीक है, इसका जो हाफ लाइफ होता है 5763 होता है, 5763 570 के आसपास, यस फाइन, ठीक है, सो ये सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ही आते हैं, और इसमें आप यही यूज कर लेते हैं ना तो ये बचता, और इसके बाद आयोडीन और कम होता है, और फास्फोरस सबसे कम होगा क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड लेबलिंग में भी यूज होता है। फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस 32 ये कितने के लिए होता है, ये आपको सम डेज के लिए होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है इसका डेटा, सम डेज के लिए होता है, ठीक है, ये कुछ दिनों के लिए होता है, 17 और सम डेज 8 डेज, यस, कुछ सम डेज के लिए होता है, ठीक है, 7 to 8 डेज, राइट, ठीक है, सो ये आपका सबसे ज्यादा होगा और ये सबसे कम होगा 15 डेज। चलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा, देख के मैं सम डेज लिख दे रहा हूं बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट वैल्यू, ठीक है, सो आप इसको देख लीजिएगा, देख के प्लग करेक्ट कर लीजिएगा। नाउ आगे मूव करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द एंजाइम नॉट इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल शोन बिलो, एक ऐसा क्वेश्चन था, देखिएगा कि अगर इस क्वेश्चन को आएगा तो कर पाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे। कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज का मतलब समझ में आता है, CO2 का एडिशन, कार्बोक्सिलेज का मतलब क्या समझ में आता है, CO2 का एडिशन, यहाँ पे कहीं पे CO2 का एडिशन कर सकते हैं आप, CO2 का एडिशन, प्रोपिन ऑयल की बात करता हूं, कार्बोक्सिलेज CO2 का एडिशन, या आप इसको सिंपल शब्द में बोल दो COOH ग्रुप का एडिशन, कार्बोक्सिलेज, ठीक है, ए नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड टू इनोइल आइसोमेरेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इस वैल्यू और इस वैल्यू के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर आपका कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे तो उसको ज्यादा इजीली समझ पाए, तो ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, सिग्मा बॉन्ड थर्ड एंड डबल बॉन्ड टू, ये आइसोमेरेज के फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं, दिस कैन बी यूज, ये यूज किया जा सकता है, एसाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज भी यूज किया जा सकता है, इसको डिहाइड्रोजिनेज करके मतलब एक तरीके से रिड्यूस करने वाला फॉर्म में ऑक्सीडाइज करने वाला इनोइल CO हाइड्रेटेज ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोपिनोइल CO कार्बोक्सिलेज नहीं यूज कर सकते, ठीक है, ये आप इसको यूज नहीं कर सकते, इज इट क्लियर, आंसर जो होगा इसका बी होगा। तो आंसर होगा इसका आपका बी होगा, आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर विल बी बी, कार्बोक्सिलेज यहां पे नहीं यूज कर सकते। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है क्या,
अब अगर थोड़ा बीटा ऑक्सीडेशन थोड़ा बहुत याद हो, कार्बोक्सिलेशन जो होता है कार्बोक्सिलेशन या CO2 का एडिशन करता है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के केस में ये प्रोसेस नहीं होता। समझ में आ रही बात? चलिए आगे मूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फैटी एसिड सिंथेसिस में होता है। जी बिल्कुल, सिंथेसिस में होता है, ऑक्सीडेशन में नहीं होता।